अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शबिस्ता और बकरीद स्पेशल में आपके लिए लेकर आई हूँ दो डिलीशियस कबाब की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए कुरैशी सीख कबाब की रेसिपी, उसके बाद हम बनाएंगे कच्चे कीमे के फटाफट बनने वाले बहुत ही टेस्टी कबाब। चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम मैं ले रही हूँ धुला हुआ कीमा और एक बड़े साइज़ की प्याज चाहिए जिसको आप कद्दूकस कर लें, उसका सारा पानी निकाल। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक का फ्रेश पेस्ट और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया हरा, बिल्कुल फ्रेश चाहिए हमें, कम से कम आधा कप धनिया हमें यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद हरी मिर्ची को हम यहाँ ऐड करेंगे 3 से 4 और आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले लीजिए। ये थोड़ी सी हरी मिर्ची लाल हो गई थी जिससे बढ़िया सा कलर आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है चाट मसाला पाउडर जो कि हम ले रहे हैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून। और फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए जितना आपको तीखा चाहिए। और सॉल्ट भी हमने ले लिया 1/2 टीस्पून, सॉल्ट भी आप बाय टेस्ट डालिए अपने हिसाब से। और 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पर चाहिए हल्दी का पाउडर। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे भुने हुए चने का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको लगता है कि आपका कीमा थोड़ा लूज़ है तो आप 2 से 3 चम्मच भी मिला सकते हैं। और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि हमें लेना है 1/2 टीस्पून जिससे अच्छा सा कलर आएगा। और उसके बाद मैंने ले लिया 1 नींबू और नींबू का रस हमें इसमें मिला देना है कीमे के अंदर। और सारे मसालों को मिलाने के बाद गाइस एक ट्रिक आपको और फॉलो करना पड़ेगी यहाँ पर जिससे कबाब हमारे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो हमें करना यहाँ है कि कीमे को हमें जो है बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो भी मसाले हैं, जो मसालों के फ्लेवर हैं, वो कीमे में बहुत अच्छे से आ जाएँ। जिस तरह से हम जब गुलाब जामुन बनाते हैं और मावे को 2 से 3-4 मिनट तक अच्छे से मैश करते हैं, बस हमें यही यहाँ पर करना है, बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैश कर लेना है ताकि जो कीमा हमारा अच्छे से चिकना हो जाए और जो मसाले हैं वो कीमे के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएं। तो ये एक ट्रिक है गाइस, इसको ज़रूर फॉलो करिए। देखिए कितने अच्छे से हमारा जो कीमा है एकदम रूखा भी दिख रहा है और बहुत अच्छे सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर गरम मसाला डालना भूल गई थी तो 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर होममेड गरम मसाला ले रही हूँ जिससे कबाब में तो अलग ही फ्लेवर आ जाएगा। और गरम मसाला मिलाने के बाद हम करेंगे कीमे को स्मोक जिससे हमारे कबाब जो है बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे और आपको ऐसा फील होगा जैसे बिल्कुल हम मार्केट के कबाब खा रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई कटोरी ले लीजिए या एल्यूमिनियम फॉइल की भी कटोरी बना सकते हैं। एक अंगारा चाहिए हमें जलता हुआ और इसके बाद घी डालिए आप या बटर और फौरन हमें बंद कर देना है जिससे जो स्मोक है वो कीमे के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से ढककर रखिए। और गाइस 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो धुआं है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इस अंगारे को हम यहाँ से हटा देंगे और जो हमने यहाँ पर गरम मसाला मिलाया था प्लीज़ आप पहले मिला लीजिए, मैं भूल गई थी। तो इसको हम बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं कीमा हमारा बिल्कुल रूखा है और इसी तरह से कीमे में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो हम कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सीख कबाब बनाने के लिए गाइस इस तरह से आपके पास कोई पेंसिल वगैरह आप उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं इस सीख में इस तरह से बना रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पर पानी लगाना है और एक हम यहाँ पर कीमे की एक बॉल लेंगे इतनी बड़ी जितनी कि हम रोटी बनाते हैं या कोफ्ता बनाते हैं, आप अपने जितना बड़ा आपको कबाब चाहिए आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम सीख में डालेंगे और इस तरह से अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा से दबा दबा कर थोड़ा सा हमें लंबा करना है। तो इस तरह से दबाते हुए आप कबाब को लंबा कर सकते हैं। और अगर कीमा थोड़ा बहुत आपके हाथ में चिपकता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पानी लगाकर इस तरह से चिकना कर लीजिए। देख लीजिए कितना ईजीली हमने कबाब यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए कबाब कितने अच्छे से होल्ड है सीख में बिल्कुल, यानी कि मसाला जो हमारा एकदम कम्प्लीटली ड्राई है। अगर ज़रा थोड़ा भी गीला मसाला होगा तो कबाब जो है सीख से नीचे आ जाएगा। तो बस इस तरह से हमारा कबाब जो है हमें बना लेना है। और गाइस इसी प्रोसेस के साथ हम सारे सीख कबाब को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बस हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाइए और उंगली और अंगूठे की हेल्प से जो है हमें थोड़ा सा फैलाना है और उसके बाद आप हथेली से दबाते हुए इसको गोल कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमें कबाब निकालते वक्त सीख को पीछे खींचना है, कबाब को हमें आगे नहीं खींचना है। तो गाइस इस तरह से सारे कबाब जो है हमें बनाकर रख लेना है। आप चाहें तो फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं और उसके बाद आप फ्राई भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है 2-3 टेबल स्पून ऑयल और अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट। और उसके बाद हम अपने जो कबाब हैं, जितना भी बड़ा आपका पैन है उस हिसाब से आप कबाब डाल लीजिए, 2-3-4-5 पैन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4-5 कबाब डाल लिया और इन कबाबों को हम अच्छे से 8-10 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे, ताकि जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से गोल्डन हो जाए और अंदर तक सिक जाए। तो फ्रेंड्स 1-2 मिनट के बाद आप इस तरह से कबाबों को थोड़ा सा घुमाती जाइए, ताकि चारों तरफ से जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से सिक जाएं। और आप यहाँ देख सकती हैं हमारे कबाब, सीख कबाब कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो बस गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और सारे कबाबों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे डिलीशियस से सीख कबाब बनकर एकदम रेडी हैं, जिसको बस आप लच्छा प्याज के साथ सर्व करिए। और ऊपर से हमें डाल देना है गाइस मेल्टेड बटर, जिससे जो हमारे सीख कबाब हैं उनका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और आप इन कबाबों को सर्व करिए हरी चटनी के साथ, जिसको मैंने बनाया है दही के साथ। तो इन कबाबों को आप इस चटनी के साथ सर्व करिए, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस यम्मी कुरैशी कबाब बनकर यहाँ पर रेडी है। तो गाइस यहाँ पर हमें लेना है सॉफ्ट बोटी का 1/2 किलो कीमा। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को चिकन या फिर मटन या फिर बीफ किसी के साथ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कीमे को मैंने मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया है और बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कम से कम 1/2 कप के बराबर बिल्कुल फ्रेश धनिया पत्ता, 2 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए हमें, जिसको हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डाल के काटिए, वरना आप हाथ से भी काट के डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून के बराबर हमें यहाँ पर चाहिए बिल्कुल फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। तो फ्रेंड्स 1 टीस्पून हमें चाहिए भुना हुआ जीरे का पाउडर, तो ज़ीरा पाउडर ज़रूर डालिए, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, अगर आपके पास बाज़ार का गरम मसाला है तो डाल लीजिए, वरना घर का ही डालिए। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है हमें सॉल्ट। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और आप डाल लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा। और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर डाल दिए चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून हमें यहाँ पर डालना है चाट मसाले का पाउडर। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बेसन, तो हमें बेसन चाहिए 2 बड़े चम्मच, और जो बेसन मैंने यहाँ पर डाला है वो कच्चा है, तो बेसन हमें यहाँ पर कच्चा ही डालना है, भुना हुआ बेसन नहीं चाहिए। साथ ही हमें यहाँ पर लेना है 1 अंडा, और अंडे को भी हम तोड़कर डाल देंगे। तो गाइस अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली है। और इसके बाद अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है, तो हमें यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से कीमे में मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें अपने हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर हाथों से अच्छे से कीमे को मिक्स कर रही हूँ सारे मसालों में, इसी तरह से आपको भी करना है। और इस प्रोसेस को हम करेंगे कम से कम 4-5 मिनट के लिए। तो गाइस जितनी देर आप इस कीमे को सारे मसालों में हाथों से मिक्स करेंगी, उतना ही अच्छा टेस्ट जो है वो कबाब में निकल कर आएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका कीमा बिल्कुल रूखा है तो यहाँ पर 1 चम्मच आप घी भी मिला सकती हैं, वरना जब आप कीमा लेने जाएं तो वहाँ पर जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको भी आप इसमें कुटवा सकती हैं, कम से कम 1/2 किलो में 10 ग्राम के बराबर। तो गाइस 4-5 मिनट कीमे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक कर रख देंगे इसको 1/2 घंटे के लिए कम से कम। तो फ्रेंड्स 1/2 घंटा हो चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं कबाबों को बनाना। तो ये देखिए मैंने एक बड़ा सा पोर्शन ले लिया है कीमे का, मैं यहाँ पर थोड़े बड़े और थोड़े मोटे कबाब बना रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप छोटे या थोड़े से पतले कबाब बनाना चाहती हैं तो आप अपनी पसंद से बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स कबाब की इतनी झटपट और इतनी यम रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, और हाथों में थोड़ा सा पानी लगाइए, उसके बाद हाथों में पानी लगाकर चिकना करते हुए अच्छे से इस तरह से कबाब को बना लीजिए। तो गाइस आपको थोड़ा मोटा लग रहा होगा कबाब, बट आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बना सकती हैं पतला या मोटा। और मेरे यहाँ पर कबाब जो है वो एकदम बनकर रेडी है। तो यहाँ पर तेल है वो मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट
ऑयल नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बना रहे हैं कच्चे कीमे के साथ कबाब। तो यहाँ पर जो कबाब है उसको फ्राई करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक ही कबाब फ्राई किया है। अगर आप चाहें तो जितना बड़ा भी आपका बर्तन हो 4 से 5 कबाब इजीली एक टाइम में फ्राई कर सकती हैं। बस कबाब को हमें कवर करके रखना पड़ेगा 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि कबाब को हमें अंदर से भी अच्छे से पकाना है। और फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट के बाद आप कबाब को ज़रूर देख लीजिए, और अगर आप चाहें तो बीच बीच में भी कबाब को देखती रहिए। आपका कबाब जो है वो जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कबाब को मैंने फ्लिप कर लिया है और दोबारा से हम 2 से 3 मिनट के लिए कबाब को फिर से पका लेंगे। फ्रेंड्स जब तक आपके मन के मुताबिक कबाब में कलर नहीं आ जाता तब तक आप स्लो फ्लेम में कबाब को फ्राई करते रहिए। तो फ्रेंड्स ये कबाब ऊपर से इतने ज़्यादा क्रंची और इतने ज़्यादा गोल्डन लगते हैं और अंदर से इतने मॉइस्ट इतने जूसी होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यम और मज़ेदार लगने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यमी और डिलीशियस गर्मा गर्म कबाब बनकर एकदम रेडी है। तो गाइस कैसी लगी आपको दोनों कबाब की रेसिपी? रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।